हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआईएसएफ कांस्टेबल, इसका जो पोस्ट डेट अपडेट हुआ था 29 से स्टार्ट हुआ था, 29/1/2022, ठीक है। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जिसका हिंदी होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ओके, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, सभी को इनवाइट किए हैं, आमंत्रित किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ 1149, ठीक है, 1149 पोस्ट है इसमें कांस्टेबल फायर के लिए। और ये जो पोस्ट अपडेट हुआ है ये सिर्फ मेल यानी कि पुरुष के लिए है। और 2021 ऑन द टेम्प्रोरी बेसिक इन द पे लेवल थ्री इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रीड द फुल नोटिफिकेशन फ्रॉम बिफोर अप्लाई, ठीक है। जो कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात, ठीक है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, कांस्टेबल मेल यानी कि इसमें सिर्फ मेल वाला ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट, ठीक है, हैव पास्ट 12th क्लास और इक्वलिवेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकोजाइंड बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी विथ साइंस सब्जेक्ट ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें कह रहा है कि 12th वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, विद्यार्थी जो 12th का एग्ज़ाम देके पास हुए हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि एक अच्छी रिकोजाइन यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए विथ साइंस यानी कि साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ठीक है। 12th वाला इस फॉर्म को भर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट वाले। अब इसमें बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट है 29/1/2022 से, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 4/3/2022। बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, एक एप्लीकेशन लास्ट डेट है देखिए, यानी कि मार्च तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है एसटी के लिए, एसटी एससी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, और इसके ऑल जो अदर्स कैटेगरी के जो आते हैं उसके लिए 100 रुपये का ऑनलाइन फ़ी है। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन देखिए मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 18 ईयर्स, और जो मिनिमम एज 18 ईयर्स सॉरी, और मैक्सिमम एज जो है 23 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें टोटल पोस्ट के बता दें तो 1149 टोटल पोस्ट है, 1149, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या इसी को बोलते हैं PFT, तो इसमें देखिए फिजिकल के लिए मेल कैटेगरी उसके लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट, और चेस्ट जो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी करना पड़ता है यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर छाती फुलाना पड़ता है। उसके बाद है यहाँ पे ट्रेवल एंड एडवाइसेस, जो क्या बोलते हैं उसे, अलग स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 62.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका चेस्ट। और इसमें जो रनिंग का जो दिया गया है रन, जो कैंडिडेट इसमें रन कर सकते हैं वो है 5 मिनट का समय दिया, 5 किलोमीटर है और 24 मिनट में आपको रनिंग पूरा करना है, यानी कि 5 मिनट का समय दिया जाएगा, सॉरी 24 मिनट का समय मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको रनिंग करना है कितना, 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, 5 किलोमीटर का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें पैसा कितना मिलेगा। तो आप देखिए CISF कांस्टेबल फायर स्केल सैलरी पे, तो लेवल 3 के जब आप हो जाएंगे तो आपको जो पे यहाँ पे दिया गया पे का ऑप्शन लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये। अब उसके बाद है
सी आई एस एफ कॉन्स्टेबल फायर रिक्वायरमेंट एडमिट कार्ड का रिजल्ट, ठीक है। तो एप्लीकेशन एप्लीकेंट यानी कि जो उसको परीक्षार्थी रिटर्न एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम होगा एंड पीएफटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है और रिजल्ट जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।